हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ड्राई आइस के बारे में। यह एक ऐसा टर्म है जिसे NCERT ने यूज़ तो किया है, पर बस इतना बतलाया है कि यह एक सब्लिमेट का एग्जांपल है, पर इसके अलावा भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस टर्म के बारे में क्लास 10th में आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, इसे ड्राई आइस क्यों कहते हैं, वाई इज इट कॉल्ड ड्राई आइस, और लास्ट में इसका एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट, पानी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसे हम अनेक फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, जब वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो यह लिक्विड स्टेज से सॉलिड स्टेज में चेंज हो जाता है। अब इसे आइस कहते हैं, यानी आइस जो होता है वह सॉलिड H2O होता है। अपने घरों में फ्रिज के अंदर जो हम आइस यूज करते हैं वह वाटर से बनी होती है और इसका केमिकल फार्मूला H2O होता है, एंड इट इज़ फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक जो कि एक गैस है इसे -78.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा करते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन अब इसे ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि H2O को और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कूल करने पर यह आइस बनता है, लेकिन एक को आइस तथा दूसरे को ड्राई आइस कहते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यही आपको यहाँ समझना है। चूँकि वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक कूल करने पर यह सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को -78.5 डिग्री सेल्सियस पर कूल करने पर यह सॉलिड स्टेज में चेंज होता है। इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ज़्यादा ठंडा होता है। अगर सॉलिड वाटर या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को किसी कपड़े या किसी सरफेस पे डालते हैं तो दोनों से कपड़ा ठंडा होता है, पर एक नॉर्मल आइस से कपड़ा या सरफेस कूल होने के साथ साथ वेट यानी गीला भी हो जाता है, जबकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से कपड़ा या सरफेस ठंडा तो होता है पर गीला नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर सॉलिड वाटर जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो वह लिक्विड में चेंज हो जाता है, लेकिन जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हीट एब्जॉर्ब करता है तो वह लिक्विड में ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि वह डायरेक्ट गैस में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे वह सरफेस या कॉटन को गीला नहीं कर पाता और यह सरफेस ड्राई या सूखी की सूखी ही रह जाती है। इसलिए इसे हम ड्राई आइस कहते हैं तथा इस तरह के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, तथा ऐसे सब्सटेंस को जो सब्लिमेशन प्रोसेस को एग्जिबिट करते हैं उसे सब्लिमेट कहते हैं। तो सब्लिमेट को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, सब्लिमेशन इज ए टाइप ऑफ फिजिकल फेज ट्रांजिशन डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। अब हम देखते हैं कि सब्लिमेट के कुछ एग्जांपल्स। सब्लिमेट का एग्जांपल है ड्राई आइस मींस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है आयोडीन 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वह सॉलिड आयोडीन में बिना लिक्विड में बदले डायरेक्ट पर्पल कलर के टॉक्सिक गैस में बदल जाता है। वैसे ही सल्फर को 25 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करने पे यह टॉक्सिक सुपर एक गैस में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा और मेन सब्लिमेट के एग्जांपल है आर्सेनिक, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। अब आइए इससे कुछ एप्लीकेशन मतलब कि कहाँ इसका उपयोग होता है समझते हैं। पहला, फूड प्रिजर्वेटिव में इसका यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फूड आइटम जैसे कि फिश, आइसक्रीम या कोई दूसरा बायोलॉजिकल सैंपल जो बहुत दिनों तक बिना खराब हुए रखना चाहते हैं तो इसका यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। सेकेंड है कि जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो यह सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट गैस में ट्रांसफ़र हो जाता है और वाटर के अंदर बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, एवं इस तरह पर एक
क्लाउडी सीन अपीयर्स होता है, जिसे फिल्म में इस तरह के सीन को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फिल्म में प्रोड्यूसर को बहुत जगहों पर आर्टिफिशियल क्लाउड या धुआं या क्लाउड सीन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सीन को क्रिएट करने में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।